हूल दिवस यानी कि विद्रोह आंदोलन, और ये आंदोलन इतना जबरदस्त था कि अंग्रेज सरकार की नींव हिला दी। अंग्रेजी हुकूमत कांप उठे। संथाल प्रगणा जिसमें झारखंड, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, लगभग ये सारा इलाका मिला हुआ था। बंगाल के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत द्वारा अत्याचार के कारण अधिक लगान, जबरदस्ती वसूली और उसके ऊपर अत्याचार, इससे तंग आकर के संथाल परगना यानी कि साहेबगंज के आसपास, साहेबगंज जिले के भगोनाडी से आंदोलन की शुरुआत हुई। साधन विहीन भगोनाडी गांव के चार वीर सपूत सिद्धू, कानू, चांद और भैरव ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद करने का संकल्प ले लिया। साधन कम होने के बावजूद भी उन्होंने बस साल का पत्ता घुमाकर गांव-गांव में संदेश पहुंचाना शुरू कर दिया। संदेश के मुताबिक 30 जून 1855 को चांदनी वाली रात में बरहेट के समीप भगवानाडी गांव में लगभग 400 गांव के करीब 30,000 से अधिक लोग जुट गए। अंग्रेजी सल्तनत के अत्याचार से पीड़ित संथाल वीरों ने अपने वीर नायक सिद्धू, कानू, चांद और भैरव के नेतृत्व में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। फिर क्या था, अंग्रेजी हुकूमत ने बरहेट के समीप पंचकाठी में दिघी थाना के दरोगा महेश लाल दत्त के नेतृत्व में 7 जुलाई 1855 को सैनिक की एक टुकड़ी के साथ पहुंच गई। विद्रोह की तीव्रता इतनी अधिक थी, विद्रोहियों ने अंग्रेजी सरकार का किसी बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। जोर जवाब करने पे उन्होंने तीर धनुष और कुल्हाड़ी से उसके ऊपर टूट पड़ा, उसका सिर काट के दर से अलग कर दिया। फिर क्या था, विद्रोह की ये आग जो है हर तरफ फैल उठी। गोड्डा अनुमंडल के करियारा थाना के दरोगा प्रताप नारायण की भी हत्या कर दी। इसके बाद संताल होल की ज्वाला समूचे संताल परगना में फैल गई। बिहार के भागलपुर के कहलगांव से लेकर पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले तक विद्रोह का आग फैल गया। फिर पैती के पास प्यालापुर और पाकुड़ जिले में तोरई नदी के तट पर तथा महेशपुर सहित कई स्थानों पर अंग्रेजी फौज और संथाल सैनियों ने जबरदस्त भिड़ंत हुई। अंग्रेजी फौज और संथाल सैनियों के साथ जबरदस्त भिड़ंत हुई। इस विद्रोह में संथाल धुरंधरों ने आक्रमण हमले से अंग्रेजी हुकूमत के सैकड़ों सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि फूट डालो और राज करो नीति का सहारा लेकर अंग्रेजी फौज ने बंदूक और गोला बारूद की बौछार कर हजारों संथाल धुरंधरों की मौत की नींद सुला दिया। 1855 की क्रांति में संथाल हुल केंद्र झारखंड का संथाल परगना था, जो जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए यह सबसे बड़ी घटना थी। संथाल की माटी में इन्हीं शहीदों की याद में हर साल 30 जून को हुल दिवस मनाया जाता है। हमारे विधायक राज सिन्हा जी हुल दिवस पर सिद्धू, कानू और सभी वीरों को नमन किए और उन्हें श्रद्धांजलि दी और साथ में एक संदेश भी दिए अंग्रेज के खिलाफ। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, हुल दिवस वीरता का प्रतीक, गुलामी की बेड़ियों को काट कर और समाज के लिए, धरती के लिए, भारत माता के लिए कार्य करने के प्रतीक के रूप में हम लोग आज हुल दिवस मना रहे हैं। फूलो जानो, सीतो कानो, ऐसे अनेक वीर झारखंड की धरती पर हुए जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, गुलामी के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ी है, और ऐसे लोगों को हम आज याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं और इस बात को याद करते हैं, इस बात का संकल्प लेते हैं कि गुलामी की किसी भी प्रकार की जो बेड़ियां हैं या गुलामी का कोई भी प्रतीक है, हम उसको समाप्त करने वाले के लिए को हमेशा आदर करेंगे, उनकी पूजा करेंगे और हम भी देश के लिए, अपनी धरती के लिए, अपने राज्य के लिए अपने वीरों को याद करते हुए हमेशा कार्य करेंगे। मैं हुल दिवस के अवसर पर आज सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और वीरों को नमन करता हूँ। आप देख रहे हैं सब पर नज़र।